नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में जो कि कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट को लेके है। सबसे पहले हम बात करेंगे तेजस MK1A की। तो तेजस MK1A को लेके जो 83 के नंबर में ऑर्डर किए जाने थे IAF की तरफ से, उसको लेके ऐसे अपडेट है कि 83 MK1A को फॉर्मली क्लियर करने के लिए जो फाइल्स हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS के पास भेज दी गई है। और प्रॉब्लम यहाँ पे इसी मंथ में वो क्लियर कर दिया जाएगा। और संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं कि इस मंथ में ही डील को साइन कर लिया जाए, एयरो इंडिया का वेट ना किया जाए, जिसकी जो पॉसिबिलिटी है मेरे पर्सनल कैपेसिटी में वो कम लग रही है, लेकिन इस तरह की जो आपके रिपोर्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। तेजस MK1A की बात करोगे तो तेजस MK1 पे तकरीबन 43 के नंबर में जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो किए गए हैं MK1A में। जहां तक बात है मेजर इम्प्रूवमेंट की, तो यहां पे MK1A में जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको इन्हांस कर दिया गया है। जबकि जो आपका MK1A है वो AA-12 मिसाइल अस्त्र MK1A को भी फायर करने में सक्षम होगा, प्लस आपके WER को भी फायर करेगा, जिसको लेकर जो इंटीग्रेशन है वो इस साल ही प्रॉब्ली किया जाएगा। तो तेजस के टोटल 123 जो यूनिट है वो IAF ऑपरेट करने जा रही है, जिसमें से हम जानते हैं कि 40 के नंबर में जो MK1 है वो है और 43 के नंबर में आपके MK1A है। अब इसी में बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 को लेके। तो तेजस मार्क 2 को लेके हम सभी जानते हैं कि जो मेटल कटिंग है वो फरवरी में शुरू होनी थी, जो कि अगले मंथ ही शुरू की जाएगी। और मेटल कटिंग शुरू होने के 14 से 18 मंथ के बाद जो पहला प्रोटो है वो बन के तैयार हो जाएगा, जो कि IOC लेवल का मार्क 2 होगा, LCA मार्क 2। जहां तक बात है पहली फ्लाइट की, तो 2022 के अंत तक या प्रॉब्ली आपके 2023 में Q1 में जा सकती है पहली फ्लाइट। उसके बाद जो भी इम्प्रूवमेंट है, ट्रायल है, टेस्टिंग है, उन सबको कंडक्ट करने के बाद पॉसिबली 2026-27 तक ये प्रोडक्शन में एंटर कर जाएगा। और अनुमानित तौर पर जो आपके MK1A हैं उस टाइम तक अपने 83 यूनिट के डिलीवरी के फाइनल फेज में होंगी। तेजस मार्क 2 की बात करते हो तो पहले जो उसका नाम था वो MWF था, जिसको अगेन चेंज करके तेजस मार्क 2 कर दिया गया है। ये पावर होने जा रहा है GE के F414 से। और इसको लेके IAF ऐसा प्लान कर रही है कि मिनिमम 6 स्क्वाड्रन प्रिक्योर किए जाएं, जबकि जो उम्मीदें हैं वो ऐसी हैं कि IAF प्रिक्योर कर सकती है 170 के नंबर में तेजस मार्क 2 को। अब बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, जो कि DRDO की तरफ से है। और पॉसिबली इसको लेके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कुछ मंथ पहले, जहाँ पे DRDO जो एक टेस्ट बेड आपके UCAV का यानी कि घातक UCAV का, उसके लिए जो लैंडिंग गियर है वो बना रही थी। तो आज उस लैंडिंग गियर की तकनीक को फॉर्मली हैंडओवर कर दिया गया है। और ये जो आपके लैंडिंग गियर होंगे स्विफ्ट के यानी कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड, तो ये एक टेस्ट बेड मॉडल है AD द्वारा बनाए जाने वाले घातक UCAV के लिए। तो इसको लेकर जो लैंडिंग गियर है वो आज फॉर्मली हैंडओवर कर दिया गया है, जो कि एक रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर है। प्लस संभवतः जो ट्रायल्स हैं वो इस साल ही कंडक्ट किए जाएंगे, और उन ट्रायल से आएगा जो आउटपुट होंगे उनको घातक के फाइनल मॉडल में डाला जाएगा। हम सभी जानते हैं कि घातक को 3 फेजों में बनाया जा रहा है, जिसको लेकर मैं पीछे बात कर चुका हूं। और ये 3 फेज इसके कंस्ट्रक्शन के लिए है, जहां पे 12 के नंबर में जो UCAV है वो बनाए जाएंगे। पहले फेज में जो पहला प्रोटोटाइप है वो बनेगा, जो कि आपके रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करने के लिए बनाया जाएगा। दूसरे फेज में 6 के नंबर में ऐसे एयरफ्रेम बनाए जाएंगे जो कि उड़ सके, मतलब उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो लगेंगे। और उसी फेज में 2 के नंबर में जो टेस्टिंग एयरफ्रेम है वो भी बनाया जाएगा, जिस पे एक्चुअल स्ट्रेस को डाल के वैलिडेट किया जाएगा कि वो जो एयरफ्रेम है वो कितना स्ट्रेस ले सकता है। जो थर्ड फेज होगा वो आपका फाइनल फेज होगा, और पिछले 2 फेज से आए गए आउटपुट को यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट करोगे। तो यहाँ पे आपके थर्ड फेज में 5 जो एयरफ्रेम है वो बनने वाले हैं, 2 आपके स्पेयर के रूप में होंगे और 3 आपके फ्लाइट वर्दी एयरफ्रेम होंगे। तो कुछ इस तरह से जो घातक का कंस्ट्रक्शन है वो होने जा रहा है। और इसके लिए एक स्मॉल टेस्ट बेड यानी कि स्विफ्ट को बनाकर जो ट्रायल्स हैं वो जल्दी कंडक्ट किए जाएंगे। आज फिलहाल जो लैंडिंग गियर है वो हैंडओवर कर दिया गया है। अगले अपडेट की बात करते हो तो सबमरीन को लेके है। जो भी आपके P-75 सबमरीन है यानी कि कलवरी क्लास सबमरीन है, और उनमें जो फिल्ट्रेशन मेथड लगा है उस तरह के प्रोडक्ट को भारत में बनाया गया है DRDO के द्वारा, और उसी के लिए जो हैंडिंग ओवर सेरेमनी है वो आज कंडक्ट की गई थी। तो यहाँ पे 18 तरह के जो फिल्टर हैं वो फॉर्मली हैंडओवर किए गए हैं। ये फिल्टर बेसिकली किस तरह के हो सकते हैं, या तो आपके एयर क्लीनिंग फिल्टर होंगे जिसमें कई तरह के फिल्टर आते हैं, जैसे कि आपका हो गया CFK। ये फिल्टर आपके पैलेडियम इम्प्रेगनेटेड एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं जो भी आपके CO हैं यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैं उनको रिमूव करने के लिए। सेकेंड फिल्टर आपका हो जाता है CFP, जो भी आपके टॉक्सिक गैसेस हैं उनसे बचने के लिए, तो ये फिल्टर भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इसी तरह से क्लीन वाटर को अचीव करने के लिए और भी कई तरह के प्यूरिफिकेशन फिल्टर को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वाटर में मिले हुए वेरियस एलिमेंट को एलिमिनेट करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह के 18 फिल्टर आज फॉर्मली हैंडओवर किए गए हैं, जो कि आपके P-75 सबमरीन के लिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।